बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने बुकरम लिया है और उसको मैंने सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई जो है वो रखी है मैंने 3.25 इंच, और उसके बाद फिर 1 इंच पे निशान लगा लेंगे, और उसकी लंबाई जो है वो रखेंगे 5.5 इंच, और फिर 1 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे भी हम इसी तरह से 3.25 इंच पे निशान लगाने के बाद सेंटर में 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे। और अब हम इन निशानों को सीधा कर लेते हैं। तो ये 1/2 इंच वाले निशान को हम इस तरह से वी शेप दे देंगे, और नेक को राउंड शेप, और उसके बाद इसकी बाहर वाली साइड पे हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे, और फिर इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। और इसकी बाहर वाली साइड पे अब हम फिर से 1 इंच पे निशान लगा लेते हैं। और इन निशानों को भी मिला लेंगे। और यहाँ पे मेरे पास हार्ड पेपर है और उसकी मैंने कटिंग कर ली है। ये 2 बाई 2 इंच का, इसी तरह से चौड़ाई और लंबाई दोनों 2 बाई 2 इंच का है। और इस तरह से इसकी सेंटर की तय लगाते हुए हम इस तरह से इस बुकरम के ऊपर से रखेंगे सेंटर में, और इसको ट्रेस कर लेते हैं। तो इस पैटर्न को मैंने ट्रेस कर लिया है, और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोनों पैटर्न मैंने कटिंग कर लिए हैं, और अब हम इनको फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फिर से बुकरम लिया है, और उसके ऊपर ये वाला मैंने ट्रायंगल जो है उसको रखा है, और इसको ट्रेस कर लेते हैं। तो तकरीबन 2 ट्रायंगल हम इस तरह से जो है वो ट्रेस करेंगे, और अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं, और इन सबको जो है वो फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। तो नेक को मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है, और अब हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। बुकरम के साथ साथ तक हम कट लगाएंगे। और मेरे पास यहाँ पे ये UHU है, अगर आपके पास गम स्टिक का जो भी है इस बुकरम के ऊपर लगाएंगे, और इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है उसको पेस्ट कर लेंगे। तो इसी तरह से पूरे नेक का जो फैब्रिक है उसको पेस्ट कर लेते हैं बुकरम के ऊपर। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। फैब्रिक पेस्ट करने के बाद मैंने नेक का सेंटर किया है, और उसके सेंटर में कट लगा लिया है। और अब मैंने शर्ट का फ्रंट लिया है, और उसकी उल्टी साइड पे नेक को भी हम मैंने इसी तरह से उल्टा रखा है, और इसके सेंटर में सिलाई लगा ली है। और अब हम बिल्कुल बुकरम के साथ साथ जो है नेक को स्टिच करेंगे। तो ये वाली सिलाई जो है वो मैंने कंप्लीट कर ली है, और इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसकी कटिंग कर लेते हैं, और इसके सेंटर में छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद नेक को पलट के इस तरह से सीधा करेंगे, और इसके किनारे पे हम एक सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही खूबसूरत ये नेक का डिज़ाइन है, बहुत ही इजी है, आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये वाली सिलाई जो है वो मैंने लगा ली है, और अब मैंने यहाँ पे ये लेस ली है, इस लेस को इस नेक के नीचे रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो इस लेस को जो है वो हम बिल्कुल इसी राउंड शेप में जो है इसको स्टिच करेंगे। तो
एक साइड पे मैंने लेस को स्टिच कर लिया है और अब हम बाकी के ये वाले जो पैटर्न है उनको स्टिच करेंगे। तो ये वाले पैटर्न स्टिच मैंने कर लिया है, दूसरी साइड पे लेस को स्टिच कर लिया है और अब हम इस नेक को रेडी करेंगे। तो इस नेक के नीचे मैंने फैब्रिक को रखा है और अब हम बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे और एक साइड इसी तरह से मैंने स्टिच कर ली है और अब हम इसकी दूसरी साइड को भी इसी तरह से स्टिच करेंगे। और अब हम इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम कट लगा लेंगे और इसको पलट के सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अब हम इसके किनारे पे सिलाई लगा लेते हैं। तो दूसरे पैटर्न को भी हम इसी तरह से सीधा करके उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो दोनों पैटर्न को सिलाई लगाने के बाद अब हम उसकी बाहर वाली साइड पे बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। दोनों की सिलाइयां जो है वो मैंने लगा ली है और उसके बाद यहाँ पे मैंने उरे फैब्रिक लिया है, इसकी चौड़ाई तकरीबन 1 इंच है। तो एक साइड इसकी जो है वो हम इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो ये वाली फैब्रिक पट्टी को मैंने स्टिच कर लिया है और इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है उसकी मैंने कटिंग कर ली है और अब हम इस तरह से इस पट्टी को सीधा रखेंगे और उसके ऊपर नेक को इस तरह से उल्टा रखते हुए ये जो पहले हमने किनारे की सिलाई लगाई हुई है उसी सिलाई के ऊपर दोबारा हम सिलाई लगाएंगे। तकरीबन 1 सूत्र की सिलाई जो है वो होनी चाहिए ताकि हमारी पाइपिंग जो है वो अच्छी तरह से निकले। तो दोनों ये जो पैटर्न है उसके साथ मैंने इस फैब्रिक पट्टी को स्टिच कर लिया है और अब हम इस तरह से इसकी पाइपिंग निकालेंगे और पाइपिंग के जोड़ में हम सिलाई लगा लेते हैं। तो दूसरे पैटर्न को भी ऐसे ही रेडी कर लेंगे। इस नेक को रेडी करने के बाद अब हम यहाँ पे ये वाले जो पैटर्न है इनको स्टिच कर लेते हैं नीचे वाले पैटर्न के ऊपर। बहुत ही खूबसूरत ये नेक का डिजाइन है और बहुत ही इजी है, आप इस डिजाइन को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें, अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि मेरा आज का जो नेक का डिजाइन है वो आप सबको कैसा लगा। और अब मैंने नेक का इस तरह से सेंटर कर लिया है और सेंटर में से ही दूसरे नेक को हम रखेंगे, ये ऊपर वाले नेक के नीचे और इसके किनारे पे सिलाई लगा लेते हैं। तो ये एक साइड का जो नेक है वो उसको मैंने स्टिच कर लिया है, दूसरी साइड को भी हम ऐसे ही स्टिच करेंगे। तो ये वाला नेक जो है वो मैंने रेडी कर लिया है और अब हम यहाँ पे बटन स्टिच करेंगे सुई धागे की मदद से। तो आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा नेक का डिजाइन है वो रेडी हो गया है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि मेरा आज का जो नेक का डिजाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिजाइन के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।